हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं छोला। तो आप सभी हमारे डेली लाइफ डायरीज को देखते रहिए। तो हमने छोले को फुला लिया है 8 घंटा पहले, और इधर हम कढ़ाई को गर्म कर लिए हैं कुकर। इसमें बटर घी डाल दिए हैं। इसके बाद हम इसमें खड़ा मसाला जो होता है, जीरा, तेज़पत्ता, हरा मिर्च और वगैरह वगैरह सबको हमने डाल दिया, और इसको हिलाते मिलाते रहेंगे। इसके बाद हम इसमें लहसुन को डाल दिया है और भूनते रहेंगे थोड़ी देर। तो आप लोग हमारे वीडियो को देखते हुए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसमें हमने लहसुन के और अदरक के पेस्ट भी डाल दिए हैं, और इस तरह से हम इसको मिला देंगे। मिलाते हुए भूनते रहेंगे। और इसमें अब हम प्याज डाल दिए। प्याज को डालने के बाद हम इसको कुछ देर भूनेंगे, जब तक प्याज थोड़ा भुना जाए। तो इस तरह से हम प्याज को भूनते हुए इसमें हम डाल दिए नमक स्वाद अनुसार। और इसके बाद इसमें हम टमाटर डाल दिए जो हमने काट कर रखा था, और हम भूनते रहेंगे इसको। भूनते हुए इसमें हमने हल्दी को मिला दिया। इसके बाद लाल मिर्च डाल दिए और मिक्स मसाला डाल दिए 2 चम्मच। और इसके बाद हम तो हमने इसमें मसाला सब डाल दिया, और इसको कुछ देर भूनेंगे जब तक मसाला तैयार हो जाए। और इसमें अब हमने बटर दिया। बटर डालने से ये होता है टेस्ट बहुत ही अच्छा, ग्रेवी दोनों अच्छा ही आता है। और ये जो फुलाया हुआ छोला था तो उसको हम इसमें डाल दिए। डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से इसमें मिला देंगे। इसको भी हम थोड़ी देर मिलाते हुए भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा पानी मिला देंगे। पानी इतना मिलाएंगे जो ये पक जाए अच्छी तरह से, ज़्यादा नहीं मिलाएंगे क्योंकि ज़्यादा डालने से ग्रेवी पतला हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम उतना ही डालेंगे जिसे ग्रेवी गाढ़ा बने और छोला सीज जाए। अब इसमें हम धनिया पत्ता डाल दिए। आप लोग देखते रहिएगा जो वीडियो आप लोग को कैसा लगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हमने कुकर को बंद कर दिया। तो 3 सीटी लगाएंगे जिसे अच्छी तरह से छोला पक जाएगा। तो देखिए हमारा छोला तैयार हो चुका है। देखिए कितना सुंदर दिखने में लग रहा है, बहुत ही सुनहरा रंग है। और इसमें ऊपर से भी हमने कुछ धनिया पत्ते को डाल दिया है। अब हम
चलते हैं चटनी बनाने। तो लहसुन और हरा मिर्च को हमने थोड़ी देर तवा पर भून लिए और इसका हम चटनी बनाएंगे। तो भूनने के बाद इसको हम ग्राइंडर में डाल करके चटनी बना लेंगे। नमक भी डाल दिए हैं। धनिया पत्ता है, लहसुन, मिर्ची, नमक और धनिया पत्ता। इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा स्वाद अनुसार, देखिए हमने नमक भी डाल दिया। इसके बाद हमने थोड़ी सा खटाई डाल दी है और इसको हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो हमारा चटनी भी बनकर तैयार हो गया है। हमने इधर पीस लिया तो इधर हमारा अब चटनी बनकर तैयार हो चुका है। इसको हम मिक्सी से अलग कर लेंगे और हमने रोटी बनाया। इधर छोला तैयार है, चटनी और ये मिर्ची है नींबू रस वाला।